सी गाइज, वेन वी टॉक अबाउट मॉम गिल्ट, तो मॉम गिल्ट का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर हम बोले तो वो है कि आप अपने बच्चे के लिए, यू आर नॉट इनफ, वॉट यू आर डूइंग फॉर योर बेबी इज नॉट इनफ, एंड दैट इज वेरी कॉमन इन मदर्स ऑफ टूडेज जनरेशन. अब देखिए, मैंने लास्ट फ्यू वीडियोज में आपको ये चीज बहुत क्लियरली बताई है कि पेरेंटिंग का स्टाइल इन इंडिया हैज नॉट चेंज. दादी लोग के टाइम पे भी वही था, मम्मी लोग के टाइम पे भी वही था, हम लोग के टाइम पे भी वही है. डिफरेंस बस यही है कि दादी और मम्मी लोग के टाइम पे ये सोशल मीडिया, ये प्लेटफॉर्म्स नहीं था टू बी वोकल. आज आई एम बीइंग वोकल अबाउट माय रिक्वायरमेंट्स, आई एम बीइंग वोकल अबाउट माय नीड्स. दैट इज व्हाई देयर इज अ डेफिनेशन कॉल्ड मॉम गिल्ट. नाउ मॉम गिल्ट, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, सी वी हैव थ्री टाइप ऑफ मॉम अभी फिलहाल. फर्स्ट इज अ स्टे एट होम मॉम, जिसका पूरा ध्यान इज ओनली एट अ हाउस. सल्यूट टू देम गाइज, इट्स नॉट ईजी टू सी आवर हाउस होल्ड कम्प्लीटली. सब चीज को लेके चलना एक स्टे एट होम मॉम अगर कर रही है तो सल्यूट टू हर. सेकेंड इज अ मॉम हु इज अर्निंग फॉर एन इनकम, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं काम काजी औरत. एंड थर्ड इज जो औरत बीच की है, दैट इज वर्क फ्रॉम होम मॉम इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, हु इज ऑल्सो मेंटेनिंग बाहर का काम, मतलब अर्निंग एन इनकम ऑल्सो एंड डूइंग अ हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो. मॉम गिल्ट आपको क्यों हो सकता है? आफ्टर अ बेबी और ड्यूरिंग कंसीव, मतलब आप जब प्रेगनेंट हो गए हो, ड्यूरिंग दैट पीरियड मॉम गिल्ट आपको हो पाएगा बिकॉज ऑफ योर पर्सनल इनसिक्योरिटीज. आपको लगेगा यार मैं कैसे हैंडल करूंगी बच्चा को, मैं क्या क्या मैनेज करूंगी, होगा नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला. सेकेंड इज सोशल मीडिया प्रेशर. यार ये वाला प्रेशर तो हाई लेवल प्रेशर है बिकॉज हम लोग वो फिल्टर्ड इमेज में है कि वी हैव टू बी अ गुड वुमन. थर्ड इज आपका फैमिली प्रेशर. फैमिली में यू आर अ जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, यू आर जस्ट योर विथ योर हस्बैंड. तो आपका इस सिचुएशन में यू कैन हैव दैट प्रेशर कि वॉट विल आई डू आफ्टर हैविंग अ बेबी. सो दिस आर द मेन रीजन्स फॉर मॉम गिल्ट. अब थर्ड मुद्दे पे आते हैं. मॉम गिल्ट ही होता है क्या? डैड गिल्ट कुछ नहीं होता. डैड गिल्ट भी होता है बट इंडिया में शायद नहीं हो. दिस इज द रीजन. इसका रीजन क्या है कि इंडिया में द सोसाइटी हैज क्रिएटेड दैट इमेज कि बच्चा संभालने और बच्चा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली ऑन अ मदर. दैट इज द मेन रीजन कि इंडिया में पीपल सफर फ्रॉम मॉम गिल्ट मोर. मैटर्निटी लीव के बाद, जो मैटर्निटी लीव एक वर्किंग वुमन को मिलती है, उसके बाद ऑफिस रीजॉइनिंग में उसको कितने स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, मैन यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड इट. हमारे दूसरे मुद्दे पे कि हाउ टू डील विद इट. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रायोरिटाइज. आपका अभी प्रायोरिटी क्या है, यू हैव टू प्रायोरिटाइज दैट. अगर आप चाहते हो कि नहीं, जब तक मेरा बच्चा इस एज तक नहीं हो जाता तब तक हम काम वापस नहीं ज्वाइन करेगा, तो इट्स योर प्रायोरिटी. अगर आपका है कि नहीं मेटर्निटी लीव खत्म हुआ मैं आई विल ज्वाइन, वो आपका प्रायोरिटी है. इफ़ यू आर अ स्टे एट होम मॉम एंड यू थिंक कि नहीं हम स्टे एट होम मॉम है कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही रहना चाहते हैं, लेट पीपल जज, मेरा काम का रूटीन हम उस हिसाब से सेट करेगा, तो वो आपका चॉइस है. तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज. प्रायोरिटाइज कि आपको क्या करना है. सेकेंड थिंग इज यू हैव टू स्टॉप हियरिंग कि लोग क्या कहेंगे. स्टॉप थिंकिंग दैट कि लोग क्या कहेंगे बिकॉज इट्स अ कॉमन फ्रेज दैट एन इंडियन वुमेन कैन नॉट सैटिस्फाई एवरीवन. इवन इफ यू आर स्टे एट होम मॉम यू विल बी जज्ड बाय योर क्लासमेट्स, बाय योर फ्रेंड्स, बाय अदर्स कि देखो यार इतनी पढ़ी लिखी है घर पे बैठी है, शी इज डूइंग नथिंग. बट स्टे एट होम मॉम्स के लिए डू नथिंग इज सो मच टू डू, वी कांट इवन इमेजिन. एंड जो वर्किंग मॉम्स है दे विल बी जज्ड कि यार क्या है यार अभी बच्चा हुआ काम में लग गए. माई पर्सनल रिक्वेस्ट इज कि आप लोग वो बात को अपने मन तक ही रखें. डोंट पुट इट ऑन अ न्यू मॉम, लेट हर डू इट वॉट शी इज डूइंग. मेरा एक पोस्ट था दैट गो बाय योर मदरली इंस्टिंक्ट्स बिकॉज योर मदरली इंस्टिंक्ट्स आर द बेस्ट. आप सबकी सुनो,
आर इंडियन पेरेंटिंग इज वर्ल्ड वाइड फेमस गाइज. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इट्स अप्रिशिएटेड वर्ल्ड वाइड. गो बाय योर इंडियन पेरेंटिंग. अपनी दादी, अपनी मम्मी, अपने पापा, सबसे देखो वॉट दे डू. उसके बाद यू डिसाइड कि हाँ, दैट इज वाई आई कॉल अ मॉम इज अ सुपर मॉम. शी कैन मैनेज एवरीथिंग एंड इट्स नॉट ओनली मी एंड यू, इट्स द वर्ल्ड वाइड थिंग. इवन बाहर के लोग, बाहर आउटसाइड इंडिया, दे ऑल्सो फेस द सेम सिचुएशन. बस डिफरेंस क्या है इंडिया और बाहर के सिचुएशन में इज दैट इंडिया में लोग आई वुड से कि इंडिया में वी डोंट हैव हाउस हस्बैंड्स. लाइक इट्स अ कॉमन थिंग दैट अ मैन इज अ अर्निंग पर्सन इन द फैमिली, दैट इज वाई. इट्स द ओनली थिंग. अदरवाइज ऐसा कोई बात नहीं है कि डैड गिल्ट बोल के नहीं होता यार. डैड्स भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं. वेन दे गो टू ऑफिस दे ऑल्सो मिस देयर चाइल्ड, सेम इज विद द मॉम. सो डोंट बी जजमेंटल. जजमेंटल हमें नहीं होना है मॉम गिल्ट को, मॉम्स को लेके. डोंट पुट योर ओपिनियन ऑन अ मदर. आप सजेस्ट करो, आप सजेस्ट करो किसी भी माँ को कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट डोंट थ्रो योर ओपिनियन ऑन समबडी. दैट इज फर्स्ट एज वी कैन टू एज आर जनरेशन. एंड सेकेंड थिंग इज कि आप दूसरा अपना मदरली इंस्टिंक्ट्स पर जाओ कि वॉट इज राइट फॉर योर बेबी एंड फॉर योर सेल्फ. नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग इज द वर्ड कॉम्प्रोमाइज. देखो, बच्चा होने के बाद आपका लाइफ वैसा रहे ऐसा नहीं होगा. थिंग्स विल चेंज बिकॉज यू आर वेलकमिंग अ न्यू मेंबर इन योर फैमिली. यू डोंट हैव टू एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू अडेप्ट. बच्चा आपके साथ अडेप्ट कर रहा है, आप बच्चे के साथ अडेप्ट करो. इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी ईजी गाइज. यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड जितना हो सके डो शिफ्ट योर मेंटालिटी फ्रॉम मदरहुड टू पेरेंटहुड. दिस इज वन मोर ऑल्सो वन लास्ट थिंग इज दैट वी शुड अप्रिशिएट केयर गिविंग एंड केयर टेकिंग एज अ प्रोफेशनल थिंग. आज हम लोग के पास अगर कोई वी कीप अ मेड बिहाइंड आवर चाइल्ड, अगर दैट इज अ प्रोफेशनल थिंग, तो गाइज वो अपने बच्चों को छोड़ के आ रही है, तो उनके ऊपर भी तो मॉम गिल्ट अप्लाई हो सकता है ना. सो अप्रिशिएट द वर्क शी इज डूइंग फॉर यू और ही इज डूइंग फॉर यू एंड इन्वॉल्व योर हस्बैंड. दैट इज हाउ वी कैन डील विथ मॉम गिल्ट.